तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ और मीशो से शॉपिंग का हॉल वीडियो। तो दोस्तों अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर हॉल वीडियो। मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ काफी प्यारे प्यारे मीशो के कुर्ताज, जो कि काफी सारे जो कुर्ताज है आपको डेली वेयर में पहन सकते हो। कुछ कुर्ताज आप पार्टीज में, वेडिंग फंक्शंस में पहन सकते हो एंड कुछ कुर्ता सेट भी है जो कि बहुत ही अच्छे हैं, आप किसी भी पार्टी में उनको पहन के जा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का हॉल वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले जो कुर्ते मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, एंड यस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारी आउटफिट्स के जो कोड्स है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन को आप अच्छी तरह से चेकआउट कर लेना एंड वहां पे आपको मिलेगा एक साइन अप लिंक, जिससे अगर आप साइन अप करोगे तो उससे आपको जो है अपने फर्स्ट ऑर्डर पे 30% से लेके 100 रुपीज तक का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कुर्ता है ये बहुत ही प्यारा सा पिच कलर में कुर्ता आएगा, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे नेक पे बहुत ही प्यारा सा थ्रेड का वर्क करा हुआ है, बटन्स की डिटेलिंग है एंड पूरी कुर्ती पे आपको हल्का हल्का यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर वर्क मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे बॉर्डर पे थ्रेड वर्क करा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा सा ये पिच कलर का कुर्ता रहेगा, जिसमें आपको व्हाइट कलर के ये जो है स्ट्रैप्स भी मिल जाएंगे कपड़े में ही, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड से ये कुर्ती सेम रहेगी, यहाँ पे दोनों साइड में आपको ये जो है व्हाइट कलर के स्ट्रैप्स का पैटर्न मिल जाएगा। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये वाली जो कुर्ती है रेयन की मटेरियल की है और ये थोड़ा सा कॉटन ब्लेंड काइंड ऑफ फैब्रिक भी है, तो ये पिच कलर में है इसलिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो अगर आपको बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनना पसंद नहीं है तो आप इसके साथ में कोई भी स्पेगेटी टॉप या फिर इनर वगैरह डाल सकते हो, व्हाइट कलर का इनर सबके पास होता ही है तो वो वाला इनर आप डाल लीजिए, उसके बाद में आप इसको आराम से कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। आप इसको चाहो तो मरून कलर के लेगिंग्स के साथ में पहन लेना, बहुत ही प्यारा लगेगा। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में कुर्ती शेयर करने वाली हूँ ये है गोल्डन कलर की कुर्ती और ये अनारकली पैटर्न में है। तो यहाँ पे इसमें जो साइज मैंने पिक करा है वो मैंने लिया है एक्सेल साइज, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो बर्स्ट एरिया रहेगा वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा आपको ये थ्रेडवर्क मिलेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल थ्रेडवर्क किया हुआ है। यहाँ पे पूरी कुर्ती पे आपको ये बटन्स मिलेंगी, जो कि सारी बटन्स जो है क्लोज है यानी कि बंद है, ये सारी बटन्स ओपन नहीं है, तो आपको अगर ओपन बटन्स बिल्कुल पसंद नहीं है तो आपके लिए वाला कुर्ता बहुत अच्छा ऑप्शन है। अनारकली पैटर्न में ये कुर्ता आएगा, कुछ इस टाइप का कुर्ता रहेगा, पूरा ये गोल्डन कलर में रहेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में ये स्लिट दिया हुआ आपको मिल जाएगा। फ्रंट एंड बैक साइड आप देख सकते हो पूरा प्लेन रहेगा, ओनली फ्रंट साइड में आपको ये बस्ट एरिया पे थ्रेडवर्क मिलता है, बाकी पूरा ये प्लेन रहता है। काफी खूबसूरत कुर्ता है, आप इसको रेड कलर के लेगिंग्स के साथ में और ट्राउजर के साथ में पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। क्योंकि इसमें जो है इसमें वैसे तो ग्रीन एंड येलो कलर भी दिया हुआ है, बट इस गोल्डन कलर के साथ में रेड कलर बहुत ही अच्छा मर्ज होगा, तो डेफिनेटली आप रेड कलर पहनोगे। कुर्ती के साथ में जो ट्राउजर मैंने वेयर करा है, अगर आप वो वाला परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी वीडियो लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो और वो ट्राउजर जो है मैंने मीशो से ही लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा जो कुर्ता मैंने लिया है। तो दूसरा जो कुर्ता मैंने लिया है ये रेयन के फैब्रिक का है, ग्रीन कलर में है। तो ये जो कुर्ता आएगा ये प्रिंटेड कुर्ता आएगा, अगेन अनारकली पैटर्न में है ये एंड प्रिंट में रहेगा। आप देख सकते हो पूरी कुर्ते पे आपको जो है प्रिंट मिलेगा, यहाँ पे आपको मिडिल में बटन्स की डिटेलिंग मिलती है जो कि क्लोज है, बंद है यानी कि, तो ये पूरी बटन्स की डिटेलिंग रहेगी। 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएगी, अनारकली पैटर्न का ये कुर्ता आएगा, जिसमें आपको नीचे की तरफ जो है हल्की सी स्लिट मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर ऑलिव ग्रीन रहता है, बहुत ही प्यारा कलर है। फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में प्रिंट मिलता है, अगेन ये रेयन का कुर्ता है, गर्मियों में काफी आरामदायक है, कंफर्टेबली आप वेयर कर सकते हो इसको, तो डेफिनेटली आप इसको परचेज करें और इसके साथ में आप जो है कोई भी व्हाइट कलर का ट्राउजर या फिर लेगिंग्स पहन सकते हो आराम से। तो डेली यूज के लिए, ऑफिस वगैरह के लिए काफी अच्छा ये ऑप्शन है, अगर छोटे मोटे काम के लिए आप मार्केट जाते हो तो उसमें भी आप इसको पहन सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में कुर्ती शेयर करने वाली हूँ ये है अनुभूति ब्रांड से। तो यहाँ पे ये जो है पिंक कलर की कुर्ती मैंने ली है, जो कि पूरी प्रिंट में है, ये भी कॉटन एंड रेयन ब्लेंड फैब्रिक की कुर्ती आएगी। इसमें आप देख सकते हो आपको पूरे में यहाँ पे आपको बटन्स की डिटेलिंग मिल जाती है, पूरे में प्रिंट है, तो ये भी डेली वेयर के लिए या फिर छोटे मोटे काम के लिए अगर आप मार्केट जा रहे हो तो उसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। आप देख सकते हो पूरे पे आपको बटन्स की इसमें डिटेलिंग मिलती है, नीचे में स्लिट मिल जाएगी। ये वाली कुर्ती जो है अनारकली पैटर्न में, ओके मुझे लगा था ये स्ट्रेट में है, तो ये भी अनारकली पैटर्न में है, बट इसका जो अनारकली फ्लेयर है बहुत ज्यादा घेर घुमेर काइंड ऑफ इसका फ्लेयर नहीं है, लिमिटेड फ्लेयर दिया गया है। 3/4 यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाएगा, तो अगर आपको इस टाइप का कुर्ता पसंद आता है और आपको अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करें, बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, कलर भी काफी अच्छा है, ना बहुत ज्यादा डार्क है ना ही बहुत ज्यादा लाइट है,
तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। और फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड प्रिंट में रहता है, एंड अगेन सिंपल सा व्हाइट कलर का कोई भी लेगिंग्स या फिर ट्राउजर आप इसके साथ में वेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये है एक बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट। ओके, इसमें जो है ब्रांड का नाम नहीं मेंशन करा गया है, जिसमें नाम मेंशन करा रहेगा उसमें मैं आपको जरूर बता दूंगी कि ये किस ब्रांड से मैंने लिया है। तो यहाँ पे ये है कुर्ता एंड ट्राउजर का सेट जो कि मैंने लिया है कॉटन के फैब्रिक में। तो यहाँ पे मैंने जो इसमें साइज लिया है वो मैंने लिया है 40 यानी कि एक्सेल साइज। तो ये जो आपको मिलेगा ये एक बहुत ही प्यारा सा अनारकली कुर्ता मिलता है मीडियम लेंथ में, मतलब ये बहुत ज्यादा लॉन्ग कुर्ता नहीं है, मीडियम लेंथ का कुर्ता है। तो अगर आपकी हाइट कम है तब भी आप इसको आराम से परचेज करके पहन सकते हो। तो यहाँ पे पूरा आपको कुर्ता मिल जाएगा प्रिंट में, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको प्रिंट मिलेगा, 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिल जाती है। क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्रिंट भी बहुत ही सुंदर है इसमें, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो है आपको नेक पे बहुत ही प्यारा सा ये डोरी का डिटेलिंग मिलता है, यहाँ पे ये लटकन मिल जाएंगे, तो ये काफी अच्छा है खास करके समर्स में अगर आप कहीं पे जा रहे हो छोटे मोटे काम के लिए, मार्केट जा रहे हो, तो उन सारी चीजों के लिए आप इस कुर्ता को आराम से वेयर कर सकते हो। इसके साथ में आपको मिलेगा इसका ट्राउजर जो कि रहेगा व्हाइट कलर में और रेयॉन के फैब्रिक का सिंपल सा ट्राउजर रहेगा। यहाँ पे आपको वेस्ट में इलास्टिक मिल जाता है, ट्राउजर की क्वालिटी जो है काफी अच्छी है। एक्चुअली आप ट्राउजर कम प्लाजो कह सकते हो इसको, जो बिना घेर वाले जो प्लाजो आते हैं ना, बिल्कुल उस टाइप का ये प्लाजो रहेगा व्हाइट कलर में रेयॉन के फैब्रिक का। तो काफी ओके काइंड ऑफ क्वालिटी है, मतलब बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं है, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी भी नहीं है, मीडियम क्वालिटी रहेगी इसकी। तो अगर आप भी इस टाइप का कुछ लेना चाहते हो अफोर्डेबल प्राइस में तो आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये मैंने लिया है चिकनकारी वर्क में प्लस सीक्वेंस वर्क में कुर्ता सेट जो कि कुछ इस टाइप का मुझे रिसीव हुआ है। आई थिंक ये पूरा का पूरा स्टिच है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कुर्ते के बारे में। तो यहाँ पे ये है ग्रीन कलर की कुर्ती। ओके, इसमें जो साइज मैंने पिक करा है वो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल एक्सल लिखा हुआ है, तो मैंने डबल एक्सल साइज में लिया है, जबकि मुझे एक्सल साइज मीशो का जो एक्सल साइज आता है वो आराम से फिट हो जाता है। तो ये जो है एक साइज स्मॉल रन करता है, तो आप अपने साइज से बड़ा लोगे तो आपको अच्छी तरह से फिट मिलेगा ये। तो ये जो है कुछ इस टाइप का बहुत ही सुंदर सा जॉर्जेट के फैब्रिक में कुर्ता आएगा, जिसमें आप देख सकते हो पूरी कुर्ती पे फ्रंट साइड में आएगा, जिसमें आपको जो है बहुत ही प्यारा सा थ्रेडवर्क मिलेगा फ्रंट साइड में। थ्रेडवर्क के साथ साथ इसमें आपको सीक्वेंस का वर्क भी मिल रहा है, मैं आपको क्लोजअप में दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि इसमें जो है थ्रेडवर्क के साथ साथ सीक्वेंस का वर्क भी है। तो पूरे पे आपको जो है फ्रंट साइड में हैवी वर्क मिलता है। इसका जो बैक साइड रहेगा वो बिल्कुल प्लेन रहता है, सिर्फ जो इसका नीचे का जो बॉर्डर रहेगा बैक साइड का उसमें हल्का सा आपको ये वर्क मिल जाएगा, जिसमें आपको सीक्वेंस का वर्क भी मिलेगा। तो ये यहाँ पे 3/4 आपको स्लीव्स मिल जाएगा जिसमें भी थ्रेडवर्क किया हुआ है। तो काफी खूबसूरत सा ये एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला सीक्वेंस वर्क वाला कुर्ता आएगा जो कि ग्रीन कलर में है, ना तो ये बहुत ज्यादा डार्क है ना ही ये बहुत ज्यादा लाइट है। तो अगर आपको इस टाइप का कलर चाहिए जो आप समर्स में आराम से पहन सकते हो और किसी भी अच्छे फंक्शन में पार्टी में पहन सकते हो तो आप इसको जरूर चूज कर सकते हो। इसके साथ में आपको जो मिलेगा लोअर इसका वो रहेगा कुछ इस टाइप का रेयॉन के फैब्रिक का ट्राउजर जो कि काफी लाइट वेटेड है, बैक साइड में यहाँ पे इलास्टिक दिया गया है, फ्रंट साइड से ये कुछ इस टाइप का रहेगा, काफी कंफर्टेबल है, लाइट वेटेड सा है। दोनों ही तरफ आपको जो है पॉकेट मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही तरफ आपको पॉकेट्स दिए गए हैं। तो अगर आपको पॉकेट वाले ट्राउजर्स पसंद आते हैं तो जरूर आप इसको ट्राई करें, यहाँ पे आपको दोनों तरफ पॉकेट भी मिल जाएंगे। इसका जो दुपट्टा आएगा वो भी काफी खूबसूरत सा हैवी सा दुपट्टा है जॉर्जेट के फैब्रिक में ही, और इसमें अगेन थ्रेडवर्क किया हुआ है और जो बॉर्डर है उसमें थ्रेड एंड सीक्वेंस का वर्क करा हुआ है। तो काफी खूबसूरत दुपट्टा है, ये जो पूरा मिडिल का पोर्शन रहेगा इसमें कोई सीक्वेंस वर्क नहीं है, जो बॉर्डर है इसमें आपको थ्रेड एंड सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा। तो काफी खूबसूरत सा ये दुपट्टा है, लेंथ 2 मीटर की रहेगी, तो आप किसी भी शादी पार्टी ओकेजन में पहन सकते हो। तो जरूर आप इसको परचेज करें, बहुत पसंद आएगा आपको। अगेन इसमें ब्रांड का नाम नहीं मेंशन था, मेंशन होता तो मैं जरूर आपको बताती कि ये किस ब्रांड से बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में कुर्ता से शेयर करने वाली हूँ ये है एक इंडोरा ब्रांड से। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कुर्ते के बारे में। तो ये काफी खूबसूरत लगा था, मैंने जब इसको मीशो पे देखा था तो काफी मुझे प्यारा लगा था। तो ये इंडोरा ब्रांड में न्यू कलेक्शन है, तो यहाँ पे ये गोल्डन बेज सा कलर का आपको कुर्ता मिलता है और बहुत ही लाइट फैब्रिक है। साइज मैंने पिक करा है एक्सेल, यहाँ पे आपको ये पूरा स्ट्रेट कुर्ता मिलता है। इस कुर्ते की जो खास बात है वो है इसका जो बॉर्डर रहेगा कुर्ते में, जो स्लीव्स पे एंड जो नीचे में इसका बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा प्यारा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3/4 आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलेगा, जिसमें ये कुछ इस टाइप का बॉर्डर आपको मिलेगा जहाँ पे नेट का वर्क है, एंड ये येलो एंड बेज कलर का
स्ट्राइप्स के पैटर्न का वर्क करा गया है, तो ये काफी अट्रैक्टिव लगता है। एंड जो कुर्ते का नीचे का पोर्शन आएगा वो भी सेम इसी तरह आता है, आप देख सकते हो। तो ये तो रही हमारी कुर्ती जो कि बहुत ही प्यारी है, बट इसका जो एक प्रॉब्लम है, ये कुर्ती जो है काफी लाइट कलर में है एंड काफी थिन फैब्रिक में है, तो इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंट पसंद नहीं है तो आप जो है कोई भी इनर पहन लीजिए व्हाइट कलर का, तो आराम से आप इसको पहन सकते हो। उसके बाद में इसके साथ में जो उसका लोअर आएगा वो भी काफी खूबसूरत है एंड बहुत ही अच्छा एक लुक देता है इस पूरे सूट को। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये येलो कलर का स्ट्राइप्स के पैटर्न का प्लाजो जो कि बहुत ही खूबसूरत इसको लुक देता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको बैक साइड में मिल जाएगा इलास्टिक और फ्रंट साइड से ये कुछ इस टाइप का रहेगा, बहुत ही खूबसूरत प्लाजो है, क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी है इसकी। तो पहनने पर काफी कंफर्टेबल है, ये जो प्लाजो आएगा ये कॉटन का आएगा, तो फैब्रिक काफी ज्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल क्वालिटी है और बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे कि मैंने बताया आप इसको किसी भी हल्दी के फंक्शन में पहन सकते हो। तो अगर आपको दुपट्टा कैरी करना पसंद है या दुपट्टा आपको अगर कैरी करना है तो आप कोई भी गोटा वर्क या फिर बंधेज का येलो कलर का दुपट्टा कैरी कर लीजिए, इजीली आपको मिल जाएगा मीशो पे, या फिर कहीं और से भी आप परचेज करना चाहते हो तो कहीं और पे भी आपको मिल जाएगा। सिल्क का या फिर गोटा वर्क का आप येलो कलर का दुपट्टा इसके साथ में कैरी कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा ड्रेस। तो ये तो मैंने लिया है ये वाला आउटफिट जो कि मुझे काफी पसंद आया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का मीशो से शॉपिंग का होल वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।